गुड मॉर्निंग एवरी वन कैसे हैं आप सभी आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी वेल well डन चल रही होगी आज के वीडियो में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वो डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन है इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्टिट्यूट ऑफ हाई स्पीड स्टील टूल मटेरियल सबसे पहली बात जो एच एस एस है हाई स्पीड स्टील टूल उसके कॉन्स्टिट्यूट होते हैं एटीन परसेंट अंगस्टन फोर परसेंट क्रोमियम और वन परसेंट मे बी वेनेडियम और मोलिब्डेनम तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड टाइटेनियम इसका कोई कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंपनी क्लेम्स टू हैव डेवलप्ड ए रिवॉल्ट्री फेंड एट कंज्यूम ट्वेंटी फाइव वोट एंड डिलीवर्स पॉइंट एट किलोग्राम पर सेकेंड ऑफ एयर एट ए वेलोसिटी ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड द क्लेम हैज़ टू बी वेरीफाइड यूजिंग अप्रोप्रिएट लॉ ऑफ थर्मोडानेमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंबिनेशन ऑफ कंक्लूजन एंड द लॉ एम्प्लॉयड फॉर द सेम इज करेक्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो फैन है वो कंज्यूम करता है ट्वेंटी फाइव वोट और कितना डिलीवर करता है पॉइंट एट किलोग्राम पर सेकंड एयर एट ए वेलोसिटी ऑफ टेन मीटर पर सेकंड यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाले तो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर ठीक है तो यहाँ से हमें जो मिलेगी उसका जो वर्क मिलेगा वो फोर्टी वोट के अप्रोक्स मिलेगा और वो कंजप्शन ही उसका ट्वेंटी फाइव वोट करता है अकॉर्डिंग टू थर्मोडानेमिक्स फर्स्ट लॉ की जो एक क्लोज साइकिल में जो नेट हीट इंटरेक्शन होता है वो इक्वल होना चाहिए उसके नेट वर्क इंटरेक्शन के तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हमें फर्स्ट इन फर्स्ट लॉ the next questionnaire during a process involving 1 kg of working fluid in an insulated cylinder piston arrangement the temperature of the fluid decreases from 350 degrees celsius to 250 degrees celsius the specific heat of the fluid at constant volume is 0.8 kJ per kilogram degree celsius considering the constant of the cylinder as the system what will be the work done and its nature वर्क डन हो जाएगा सी वी डी टी डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी थ्री फिफ्टी माइनस टू फिफ्टी हंड्रेड एंड सी वी की वैल्यू आपको गिवन है पॉइंटेड एट इ्लोजल बाय द सिस्टम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट इज सप्लाइड टू ए सिलेंडर कंटेनिंग परफेक्ट गैस एंड फिटेड विद ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन लोडेड विद ए कॉन्स्टेंट वेट वट विल बी द प्रोसेस कॉल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड आइसोवरिक प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन हीट एंड वर्क आर हम सभी जानते हैं हीट और वर्क क्या होता है पाथ फंक्शन होता है ये डिपेंड करता है पाथ पे देन नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री इंजन ए बी सी ऑपरेटेड बिटवीन सेम टेम्परेचर हीट सोर्स एंड सिंक द इंजन ए बी सी यूज आइडियल गैस एयर एंड स्टीम रिस्पेक्टिवली इज द वर्किंग फ्लूड ऑल्सो द हीट इनपुट टू द इंजन ए इज हाइएस्ट एंड डेट टू द इंजन सी इज द लोएस्ट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द थर्मल एफिशंसी ऑफ द इंजन कार्नोट के थियोरीज के अकॉर्डिंग अगर किसी भी इंजनस का सेम टेम्परेचर हीट सोर्स एंड सिंक हो तो उसकी जो एफिशिएंसी वो उनकी वर्किंग मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर ऑल द इंजन्स विल हैव सेम एफिशिएंसी नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोएस्ट एंड हाईएस्ट टेम्परेचर इन ऑटोसाइकिल्स टी वन एंड टी थ्री If the temperature at the end of compression and expansion processes are T2 and T4, respectively, then what will be the values of these temperature for maximum work done in the cycle? Correct option, option number four. Then, next question the air standard efficiency of auto cycle, diesel cycle, and dual cycle are represented by NETA auto, NETA diesel, and NETA dual, respectively. Pick the correct statement above their relative values for the same compression ratio and heat input. ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि उन्होंने जो पूछा है वो सेम कंप्रेशन रेशो एंड हीट इनपुट पर पूछा गया है कि इनकी एफिशिएंसी की वैल्यूज़ क्या होगी सेम कंप्रेशन रेशो और हीट इनपुट पर सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी देता है ऑटो साइकिल देन डुअल एंड देन तो हो जाएगा डीजल तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट देन नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द रीजनरेटिव वेपर पावर साइकिल एम्प्लॉइंग ब्लेड स्टीम फॉर फीड वाटर हीटिंग करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वर्क डन पर किलोग्राम ऑफ स्टीम इज इंक्रीज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी विच ऑफ द फॉलोइंग गैस पावर साइकिल हैज़ अनक्वल एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन स्ट्रोक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड एटिक्शन साइकिल क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग गैस पावर साइकिल हैज इन आइडियल कंडीशंस थर्मोडानेमिक एफिशियंसी इक्वल टू ए कानोट साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एरिक्सन साइकिल वैसे गैस पावर साइकिल का आइडियल साइकिल माना जाता है ब्रेटन साइकिल को और वाटर स्टीम पावर साइकिल के लिए आइडियल साइकिल होता है रैनकाइन साइकिल देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू वॉट इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ द इक्वेशन गवर्निंग थ्री डी स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन विथ सेल्फ हीट जनरेशन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड पॉइजन इक्वेशन दे नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग वेज हैव बीन सजेस्टेड टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ एन इन्फाइनिटी लॉन्ग फिन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट ए एंड डी यूजिंग फिन मटेरियल ऑफ हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड इनक्रीजिंग द रेशियो ऑफ पैरामीटर टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलर स्पेयर वन ऑफ रेडियस फिफ्टी एम एम इज इनसाइड ए लार्जर स्पेयर ऑफ रेडियस हंड्रेड एम एम व्हाट विल बी द वेल्यूज ऑफ रेडिएशन शेप फैक्टर एफ टू टू यहाँ रेडिएशन शेप फैक्टर की वैल्यू होगी एफ टू टू की वन माइनस ए वन बाई ए टू ए वन हो जाएगा रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ स्मॉलर स्पेयर वन एंड ए टू रिप्रेजेंट करेगा एरिया ऑफ लार्जर स्पेयर टू तो वैल्यूज हम पुट कर देंगे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट थ्री बाई फोर देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन इन ए काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर द कोल्ड फ्लूड एंटर एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस एंड लीव्स एट फोर्टी डिग्री सेल्सियस द हॉट फ्लूड एंटर्स एट वन फोर्टी डिग्री सेल्सियस एंड लीव्स एट वन ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस वॉट इज द हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट यहाँ पे अगर हम एल एम टी डी कैलकुलेट करते हैं लॉन्ग मीन टेम्परेचर डिफरेंस तो वो आता है टी वन माइनस टी टू अपॉन में एल एन टी वन बाई टी टू टी वन जो होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस होता है हॉट फ्लूड और कोल्ड फ्लूड का इन्होंने मेंशन कर दिया कि काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है काउंटर फ्लो है तो यहाँ पे जो दोनों का आपका डायरेक्शन होगा वो डिफरेंट होगा मतलब जहाँ से हॉट फ्लूड एंटर कर रहा है वहाँ से कोल्ड फ्लूड एग्जिट करेगा तो उस वजह से इस पर जो टी वन होगा वेगा वन फोर्टी माइनस फोर्टी हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एंड 120 ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इस केस में टी वन और टी टू दोनों इक्वल है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हंड्रेड वोट The next question A pipe carrying hot fluid is to be insulated by two layers of insulator A and B, having thermal conductivities K and two K respectively, and of equal radial thickness. If the heat transfer coefficient from the outer surface to the air remains constant, how the two insulators must be placed to minimize the heat transfer? हीट ट्रांसफर को मिनिमम करने के लिए जो हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिव वाला कंडक्टिविटी वाला जो मटेरियल है वो आउटर साइड में होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड मटेरियल बी मस्ट बी Outside. Then, next question is, A pipe of 40 mm outside radius carrying hot fluid in a factory is to be insulated by a layer of insulator having thermal conductivity 0.5 watt per meter degree Celsius. The heat transfer coefficient for convection from pipe surface to the air is 10 watt per meter square degree Celsius. The objective of providing insulation is to reduce the heat loss from the pipe. Choose the correct statement about the thickness of insulation to be provided. इनका जो ऑब्जेक्ट है वो है रिड्यूस करना हीट लॉस फ्रॉम द पाइप जो रेडियस होती है थिकनेस ऑफ इंसुलेशन की सिलेंडर के लिए हम कैलकुलेट करते हैं के बाय एच यहाँ पे के की वैल्यू गिवन है पॉइंट फाइव और एच की वैल्यू गिवन है टेन तो यहाँ पे आर सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फिफ्टी एम एम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर इन ऑर्डर टू अचीव ए हीट लॉस लेस देन डेट ऑप्टेंड विद द वेयर पाइप द आउटसाइड रेडियस ऑफ इंसुलेशन हैज़ टू बी मोर देन ए सर्टेन वैल्यू डेट रिक्वायर्स कैलकुलेशन बट इट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन फिफ्टी एम एम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट इन अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर विद इफेक्टिवनेस ऑफ पॉइंट सेवन फाइव द प्रॉपर्टीज एंड फ्लो रेट आर सच डेट बोथ फ्लूड्स हैव थर्मल कैपेसिटी इक्वल टू थाउजेंड वोट पर डिग्री सेल्सियस वोट विल बी द एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर रिक्वायर्ड इफ द हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट इज हंड्रेड वोट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस एरिया कैलकुलेट करना है उसके लिए हम एन कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स एन की वैल्यू होती है यू है अपन में सी मिनिमम एन टी की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी इफेक्टिवनेस इफेक्टिवनेस गिवन है पॉइंट सेवन फाइव ई बराबर हो जाएगा एन ट्यू अपन में वन प्लस एन टी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको एन टी की वैल्यू मिल जाएगी एन इक्वल कर देना यू ए अपन में सी मिनिमम यू की वैल्यू गवेन है थाउजेंड और आपको सी मिनिमम की वैल्यू भी गिवन है हंड्रेड तो यहाँ से आपको एरिया निकल फाइंड आउट हो जाएगा एरिया यहाँ पे आ जाएगा थर्टी मीटर स्क्वायर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड दे नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मीटर वर्टिकल पाइप ऑफ फोर हंड्रेड एम एम डायमीटर इज प्लेस्ड इन ए फ्लूड विद डायनेमिक विस्कोसिटी थर्मल कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वैल्यूज आपको गिवन है इफ़ द ग्रेस ऑफ नंबर इज टेन की पावर नाइन एंड द एम्प्रिकल रिलेशन गवर्निंग द फ्री कन्वेक्शन इन दिस केस इज नोन एज एन इक्वल टू पॉइंट वन ग्रेस ऑफ मल्टीप्लाई विद प्रन When the symbols are, have standard or usual meaning, the curvature effect of pipe may be neglected. What will be the values of heat transfer coefficient due to free convection at the pipe surface? Grashof विक्की वैल्यू गिवन है, Prandtl होता है, mu Cp by k, यहाँ पे आपको Cp और k की वैल्यू भी गिवन है, Nusselt number हो जाएगा, hL by k, आपको find out करना है h की वैल्यू, वैल्यूस put कर दोगे, correct option हो जाएगा option number four. फाइव हंड्रेड वोट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट इन लेमिनार फिल्म कंडेंसेशन ऑन ए वर्टिकल प्लेट इज मैक्सिमम एट अपर एज ऑफ द प्लेट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट Question number 71. A body placed in all enclosure, which may be assumed black body, is in thermal equilibrium with it. Which of the following is true for emissivity and absorptivity of the body? Kirchhoff's law, according, emissivity should be equal to absorptivity. Correct option, option number third. Question number 72. The ratio of temperature at the beginning and end of isentropic expansion process in bell Coleman. एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज 1.25. पॉइंट टू फाइव वॉट इज द सी ओ पी ऑफ द साइकिल सी ओ पी की वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन टी टू बाई टी वन माइनस वन यहाँ पे टी टू बाई टी वन का रेशियो आपको किवन है वन पॉइंट टू फाइव सी ओ पी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी फोर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वी वेल्ट ड्राइव फर्स्ट द ग्रूव एंगल ऑफ द स्लीव इज़ लेस देन द बेल्ट सेक्शन एंगल सेकंड द एफिशिएंसी ऑफ वी बेल्ट ड्राइव इज हायर देन डेट ऑफ फ्लेट वेल्ट ड्राइव एंड थर्ड द ग्रूव एंगल इज सो मेड द बेल्ट गेट्स वेजेस इन द ग्रूव करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है दे नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ बोरिंग ऑपरेशन इन रिलेशन टू ड्रिलिंग ऑपरेशन इज टू एनलार्ज़ लार्ज द ड्रिल्ड होल